सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरन के योग्य सखा बस और किसी को याद न कर। है वही सुमिरन के योग्य सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। अस्थिर है जग के ठाठ सभी गर बिछड़ जाए अचरज ही क्या। अस्थिर है जग के ठाठ सभी गर बिछड़ जाए अचरज ही क्या। हो शोक मोह के वशीभूत सिर धुन कर पश्चाताप न कर। हो शोक मोह के वशीभूत सिर धुन कर पश्चाताप न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरन के योग्य सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। धन माल बटोर अपार भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन अपार भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर बार बसाने को गैरों का घर बर्बाद न कर। अपनों घर बार बसाने को गैरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है यही सुमिरन के योग्य सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। पर कर प्रकाश आदर्श बना निजी
लक्ष्य बना निज जीवन को, सत ज्ञान प्राप्त कर सजन सी दुर्जन सी, व्यर्थ विवाद न कर सत ज्ञान प्राप्त कर सजन सी दुर्जन सी, व्यर्थ विवाद न कर सुख चाही यदि नर जीवन में जप ली प्रभु नाम प्रमाद न कर है वही सुमिरन की योग्य सखा बस याद उसी को किया कर तो सुख चाही यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर सुख चाही यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर तो इतने सुंदर भजन में हमें क्या बता दिया। भजन में ये मुख्य बात बताई जा रही है कि अगर इस मनुष्य जीवन में इतना सुंदर जीवन तुम्हें मिला है उसमें अगर सुख प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना है, ईश्वर के नाम का जाप करना है, ओम नाम का अर्थ सहित हमें जाप करना है। ईश्वर कैसा है, वो ईश्वर सर्व रक्षक प्राण आधार दुखों को दूर करने वाला सुखदाता परमेश्वर, उस परम पिता परमेश्वर का हमें अर्थ सहित ओम नाम का जाप करने की बात बताई जा रही है कि उसका जाप करो। फिर आगे क्या बताया, प्रमाद ना कर। अब प्रमाद का अर्थ है कि लापरवाही, केयरलेस। प्रमाद का अर्थ है कि पता तो है, जानता तो है कि हाँ ईश्वर का नाम सुखदाई है, उसमें सुख है और मुझे जाप करना चाहिए, पर वो प्रमाद करता है। पता है वो प्रमाद बेपरवाही लापरवाह केयरलेस क्यों हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि उसको इस बात में दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है कि वास्तव में जो सुख है वो ईश्वर में है। इस बात का उसको जानता तो है पर निश्चय नहीं है। ऐसा निश्चय कैसा, जैसा उसको निश्चय है कि बिजली के करंट में मृत्यु हो जाती है, मर जाऊंगा, उसको नहीं छूता, उसको पूर्ण विश्वास है। आग में हाथ डालूंगा तो जल जाएगा हाथ, उसको दृढ़ विश्वास है, वो कभी आग में हाथ नहीं डालता। गहरे पानी में कूदूंगा गिरूंगा तो जल मुझे डुबा देगा, मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, उसको दृढ़ निश्चय है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय ईश्वर में सुख है वो उसको दृढ़ निश्चय है ही नहीं, जानता तो है सुना भी है पर उसको अभी दृढ़ निश्चय नहीं बना, इसीलिए वो क्या करता है, प्रमाद, आलस्य प्रमाद। ठीक है कभी जाऊंगा, कभी सुन लूंगा, कभी बाद में कल करूंगा, ये जो कल पे वो टालता रहता है। और जिसने इतने मुख्य काम को, प्रमुख काम को, नित्य काम को, सुख देने वाले काम को कल पे टाला, फिर वो कभी उसकी कल आती ही नहीं, क्योंकि वास्तव में कल तो कभी होती ही नहीं। जो कुछ करना होता है वो आज में ही हम कर सकते हैं। जिसने कोई भी मुख्य काम कल पे छोड़ा वो उस काम का महत्व नहीं जानता, इसीलिए वो टाल मटोल टाले जा रहा है। तो हमें इस तरह से जब मनुष्य टालता है इस तरह से, फिर क्या करता है, वो क्यों टालता है, क्योंकि उसको ये जो संसार के पदार्थ हैं,
जो भौतिकता है, जो भौतिकता में संसार में क्या है, धन है और पदार्थ है, उनमें उसको आकर्षण दिखता है, वो उसमें क्या समझता है, इसमें सुख है, उसमें उसको विश्वास है कि इन पदार्थ हैं जो भी संसार के, जो धन दौलत है, यश है, मान है, गाड़ी है, बंगले हैं, धन है, उसमें वो सुख देखता है, उसको सुख दिखता है, उसी में वो सुख प्राप्त करता है, ढूंढता है, और उस सुख ढूंढने के लिए क्या करता है, उसके उसके पीछे भागता है। अब जब उसके पीछे भागता ही रहता है तो फिर उसके पास इस कार्यों के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, जो ईश्वर की प्राप्ति के साधन क्या है, ईश्वर प्राप्ति के मुख्य साधन है सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान स्मरण करना, हवन यज्ञ करना और शुभ कर्म करना, सदाचार करना, परोपकार करना। अब इन चीजों के लिए तो उसके पास न रुचि है, न उसके पास समय बचता है, क्योंकि सारा समय तो वो धन को एकत्रित करना, भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा पड़ा है, तो इन चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। फिर वो इस ईश्वर के सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। तो इस बात को महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में अच्छी तरह से समझाते हैं, कुत्रापि कोऽपि सुखिनः। वो क्या बताते हैं, इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी पदार्थ, कोई भी सुख, पूर्ण सुख नहीं कर सकता, इसमें सुख है ही नहीं, थोड़ा सा, जरा सा अल्प सुख है, अनित्य सुख अल्प सुख है, और अल्प सुख के साथ फिर बहुत सारा दुख भी उसमें मिश्रित है, जितना थोड़ा सुख है और अधिक दुख मिश्रित है। और इसी बात को हम आगे अच्छी तरह से स्पष्ट समझने के लिए सांख्य दर्शन का हम एक सूत्र करते हैं, तो वो सूत्र भी हमें इसी बात को आगे अच्छी तरह से समझाता है। तो वो सूत्र अध्याय चौथा, सांख्य दर्शन चौथा अध्याय और सूत्र की संख्या 5 है। तो शीनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, क्या है सूत्र, शीनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। अब इसका अर्थ ये बनता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से, खुशी से कोई वस्तु का, किसी पदार्थ का त्याग कर देता है, छोड़ता है, तब तो उसको उसमें सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है। पर वही चीज, वही पदार्थ जब कोई उससे बलात् अर्थात जबरदस्ती छीनता है, जबरदस्ती उससे उस चीज का वियोग कराता है, उससे छुड़ाता है उस चीज को, तब उसको उसके लिए दुख उत्पन्न होता है। वस्तु एक ही है, जब उसने स्वयं त्याग दिया अपनी स्वेच्छा से, तब उसको उसमें सुख प्राप्त हुआ, और वही वस्तु किसी ने छीन ली तो उसको बहुत सारा दुख प्राप्त हुआ। वो कैसे, तो महर्षि कपिल इसको इस दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। तो क्या बताते हैं, शेन पक्षी, शेन अर्थात बाज, एक बाज पक्षी है, उसने चोंच में एक खाद्य पदार्थ को दबा के रखा हुआ है, तो जो अन्य बलात् बलवान पक्षी हैं, उन्होंने देखा कि इसके चोंच में खाद्य पदार्थ है, तो वो सारे के सारे पक्षी इसके ऊपर टूट पड़े उस पदार्थ को, क्योंकि उनके पास वो खाद्य पदार्थ नहीं था, तो वो सब बलवान थे, सारे के सारे उसके ऊपर वो छीनने के लिए टूट पड़े, और उससे वो छीन लिया, तो छीन लिया तो उसको दुख हुआ, और छीना झपटी में, संघर्ष में जो उसको चोटें आई, छीना झपटी में कोई छीनता है, झपटता है, तब हमें चोट भी लगती है, तो वो जो चोटें आई उसका दुख अलग, तो उसको ये सारे दुखों को क्यों सहना पड़ा, क्योंकि उसने उस चीज को, खाद्य पदार्थ को स्वयं नहीं छोड़ा, दूसरे किसी व्यक्ति ने, दूसरे पक्षियों ने उससे जबरदस्ती छुड़वाया। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हमें महर्षि कपिल ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को ये जो आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक मार्ग पे हम चल पड़े हैं जो व्यक्ति, तो उनको त्याग की भावना को आवश्यक है, त्याग भावना को जागृत बनाए रखना है। अगर त्याग भावना नहीं है
तो फिर क्या करता है संग्रहखोरी। अब देखो ऋषि पता है वहां क्या बताते हैं कि ये जो चोंच में खाद्य पदार्थ उसके पड़ा हुआ है वो क्या किस बात की ओर संकेत करता है कि उसका पेट भरा हुआ है, अभी उसको उस पदार्थ की उपभोग की आवश्यकता है नहीं, पर उसको उसमें आसक्ति है, संग्रह करने की वृत्ति है, तो इसीलिए उसने वो उसको पकड़ रखा है, तो इसीलिए उसको दुख आया। तो क्या इस बात से समझाना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य की वृत्ति है ना संग्रहखोरी की, परिग्रह, चारों ओर से धन इकट्ठा करूं, और वो करता भी है, क्या करता है, सारा समय, सारी रुचि, सारी शक्ति सब वो धन को एकत्रित करने में लगाता है, धन को एकत्रित करने में इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद वो धन को प्राप्त कर लेता है, भौतिक पदार्थों को, गाड़ियों, बंगला, जो भी उसको जितने भौतिक पदार्थ जो चाहिए उसको वो मेहनत करके मशक्कत करके प्राप्त कर भी लेता है, पर जब अंत समय आता है तब वो अंत समय में वो सारे पदार्थ जो उसने इतनी मेहनत मशक्कत करके पूरा जीवन उसने बिगाड़ के व्यर्थ गवा के इन चीजों को एकत्रित करने में जो समय बिगाड़ा वो तो मृत्यु उससे छुड़ा रही है जबरदस्ती। जैसे उस बाज के मुख में दूसरे पक्षियों ने जबरदस्ती उसको छुड़ाया तो उसको दुख आया, चोटें भी आई और दुख भी हुआ, हाय मेरे से ले गए। तो जब व्यक्ति त्याग की भावना नहीं रखता, मात्र एकत्रित करने का उसको भाव रहता है, बस इकट्ठा करूं और नहीं, अभी और चाहिए, एक गाड़ी है नहीं, दूसरे बेटे को भी वैसी गाड़ी ले दूं, सारे परिवार के मोह में, रिश्तों में, नातों में, भौतिक पदार्थों में इतना मोह से, अविद्या से ग्रस्त हो चुका होता है, और उस मोह के कारण वो एकत्रित करता रहता है, फिर अंत समय में तो ये सारे रिश्ते, नाते, धन पदार्थ, गाड़ी, बंगले, यश, पद, मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम, सब कुछ यहाँ धरा का दहरा रह जाता है। मृत्यु तो सब छुड़ा देती है, मृत्यु के समय इनमें से कोई भी संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जानी होती, वो सब मृत्यु छुड़ा देती है, तब उस जीवात्मा को बहुत दुख होता है, अत्यंत कष्ट होता है, हाय मैंने ये क्या किया, इतना सब एकत्रित किया, इतनी मेहनत करके मुझे तो सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें वेद शास्त्र और ऋषि मुनि समझाते हैं कि जीवन में त्याग भावना उत्पन्न करो, क्योंकि त्याग क्यों उत्पन्न करो, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो ईश्वर इतना दयालु है, समझदार है, उसने आवश्यकताएं बहुत कम बनाई है, मनुष्य को थोड़ा सा दो वक्त भोजन चाहिए, दो तीन वस्त्र चाहिए, एक छत चाहिए, बस हो गया, उसके अलावा उसको जीव को मनुष्य को कुछ चाहिए ही नहीं, पर उसने इतने वो अनेक इच्छाएं उत्पन्न कर रखी है, ये जो संसार में उसका इतना आकर्षण है, ये भी लू, संसार में जो कुछ आया बाजार में, मार्केट में जो आया वो मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें सुख दिखता है, अब उसको उसी में सुख दिखता है, इसीलिए वो उसी के पीछे भागता रहता है, एकत्रित करता रहता है, और एकत्रित करके अंत में छोड़ जाता है। तो इसीलिए ऋषि क्या बताते हैं कि त्याग, मनुष्य को त्याग करना, जीते जी त्याग कर दो ना, त्याग अर्थात क्या, आसक्ति, मन से आसक्ति जब व्यक्ति हटा देता है, मन में इन संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण हट जाए, बाकी आवश्यक चीजों को तो हमें प्राप्त करना ही है, अंत तक हमें रोटी, कपड़ा, मकान आदि आदि जो आवश्यक चीजें हैं उसको तो हमें प्राप्त करना है, वो प्राप्त करता रहता है, जब त्याग भावना होती है, जब संग्रहखोरी की भावना नहीं होती तब वो क्या करता है, समन्वय अपने जीवन में, बैलेंस, समन्वय अर्थात बैलेंस बिठाता है, थोड़ा थोड़ा धन भी प्राप्त करता रहता है, आवश्यकताओं को अपने, अपनी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा भी करता रहता है, और साथ साथ वो अपनी आत्मा की उन्नति भी करता रहता है, अपने आत्मा की उन्नति के लिए वो प्रतिदिन जितना भी हो सके वो सत्संग में आता है, सत्संग में ज्ञान सुनता है, सत्संग में क्या सिखाते हैं, यही अविद्या को नाश करना ही तो सिखाते हैं,
बार बार देखिए वही तो बातें दोहराई जाती है, आवृत्ति होती है ना। जो मनुष्य इन बातों को भूल चुका है तो उसी बातों की स्मृति कराई जाती है, बार बार आवृत्ति वही याद दिलाया जाता है। यही हम सिखाते हैं कि कैसे मनुष्य को जो त्याग भावना है उसको जागृत रखना, सत्संग में आते हुए विद्या को प्राप्त करना, अविद्या को नष्ट करते जाना। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कितनी अविद्या है पता है? ऋषि क्या बताते हैं, एक एक मनुष्य के अंदर हिमालय पर्वत जितनी अविद्या भरी पड़ी है। आप सोचो कितनी भारी अविद्या प्रत्येक के अंदर भरी पड़ी है। क्या अविद्या है? ये अविद्या है कि संसार में पूरा सुख है, ये अविद्या है। जब तक मनुष्य के अंदर ये अविद्या नहीं हटती कि संसार में पूरा सुख नहीं है, संसार में जो भी है अनित्य, क्षणिक, अल्प, जरा सा थोड़ा सुख है और उस थोड़े सुख में भी चार चार दुख मिश्रित है। ऋषि यहाँ सांख्य दर्शन में बताते हैं कि आज तक कोई ऐसी वस्तु बनी नहीं है जो मात्र सुख दे, सब सुख और दुख मिश्रित है। एक सुख के अंदर दुख भी मिला हुआ है, चार चार दुख मिले हुए हैं। तो अगर हमें दुख से बचना है तो क्या बता दिया ऋषि, कहते हैं सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। सुख को छोड़ोगे तो दुख भी अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि सुख के अंदर दुख समाया हुआ समाविष्ट था। सुख को छोड़ा, संसार के सुख को प्राप्त करने की इच्छा जब मनुष्य छोड़ता है तो दुख अपने आप उससे छूट जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसका जो रुचि वो समय देगा किसमें, सत्संग में। उसको सत्संग में आने की इतनी रुचि, इतनी उत्कंठ रुचि होगी, जैसे वो प्यासा हिरण कैसा पानी जल पीने के लिए भागता है वैसे वो दौड़ पड़ेगा। सत्संग का समय हो गया, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, उसको इतनी प्यास कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करने, तब वो उसको वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी, मुझे जो विद्या है वो प्राप्त करनी है और अविद्या का नाश करना है। तो ये अविद्या कैसे नाश होती है, इस अविद्या को नाश करने का, इसको उखाड़ने का यही तरीका है कि सत्संग में हम आते रहें। तो सत्संग में अविद्या नाश की सारी बातें बताई जाती है, शुभ कर्म करते रहें, सदाचार करते रहें, परोपकार करते रहें, ईश्वर का ध्यान उपासना करते रहें, समाधि लगाते रहें, अष्टांग योग का अनुष्ठान करते करते, और फिर धीरे धीरे यह जो अविद्या है वो नष्ट होती जाती है। अविद्या नष्ट होती जाती है, विद्या प्राप्त होती जाती है और संसार के प्रति फिर व्यक्ति को पूर्णता से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है फिर उसको संसार के एक एक वस्तु में हर जगह उसको दुख ही दुख दिखता है। जब उसको देखता है कि हर जगह दुख है, वो जहां देखता है जहां जाता है उसको दुख दिखता है, फिर वो सोचता है जब संसार में चारों ओर दुख है तो मैं इस संसार में क्यों आऊं, तब वो इस संसार में आने की इच्छा को एकदम से छोड़ देता है। वो बोलता है नहीं, अब मुझे इस संसार में नहीं आना, मैं इस संसार में जन्म क्यों लूं। और फिर तब ईश्वर उसको इस संसार में जन्म नहीं देता, फिर उसका इस तरह से मोक्ष को प्राप्ति करता है, वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें मोक्ष प्राप्त करना है। और इसी सांख्य दर्शन में अभी जो हमने ये मंत्र बोला, उस मंत्र का दूसरा भी दृष्टांत ऋषि कपिल ने क्या बताया है, एक तो ये शयन का बताया और शयन पक्षी का दूसरा दृष्टांत बताया। जैसे क्या बताया कि एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा एक श्यान शावक अर्थात बाज का बच्चा, बाज का बच्चा बड़ी असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। तो उसको दया आ गई, उसने क्या किया, उसको उठा लिया और अपने घर ले गया और घर ले जाकर उस बाज के बच्चे को दाना पानी देकर खिलाया पिलाया और बच्चा बड़ा हो गया। अब जब वो बड़ा हो गया, समर्थ हो गया तब उसने सोचा अब मैं इसको खामखा बंधन में क्यों रखूं। तब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने वापस जाके जंगल में उसको छोड़ दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया।
अब वो जो बाज था, पहले बच्चा था, अब तो बड़ा हो चुका, अब वो जब उसको स्वतंत्र कर दिया गया, मुक्त हो गया, तब उसको सुख आया। उस बात से सुख तो आया, पर उसको दुख भी आया। क्या दुख आया? वो जो पालन करता था, उसने जो व्यक्ति उसको पालन पोषण करता था, उसके वियोग का उसको दुख आया। तो ऋषि, मैं ऋषि कपिल हमें इस दृष्टांत से ये भी बात समझाते हैं कि संसार के प्रत्येक वस्तु में सुख भी है, दुख भी है। इसी प्रकार देखो, सुख भी आया और दुख भी आया। तो इसी बात को हमें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में नहीं बताया, कितनी अच्छी तरह से बताया है कि प्रत्येक वस्तु में चार चार दुख है। हमने वो अच्छी तरह से बहुत बार भी किया हुआ है, परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो प्रत्येक संसार के प्रत्येक वस्तु में चार चार दुख हैं। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो सुख को भी त्याग देता है तो वो दुखों से बच जाता है, क्योंकि सब में दुख मिश्रित है। इसीलिए हमें सुख की जो आसक्ति है, आकर्षण, संसार के प्रति आकर्षण छोड़ना है। जब तक हमारा आत्मा इस शरीर के साथ है, तब तक तो हमें संसार में रहना है, और संसार की वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं का, रोटी कपड़ा मकान आदि आदि, जो औषधि, जो छोटी छोटी आवश्यकताएं, उसकी तो आवश्यकता है, वो तो हम नहीं छोड़ सकते। पर जो अत्याधिक इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं, जो परिग्रह, जो एकत्रित करने का भाव, जो मुट्ठी बंद करके रखा, शुभ कर्म नहीं करूंगा, सत्संग नहीं जाऊंगा, समय जाएगा, समय कहाँ है मेरे पास, धन इकट्ठा करना है, फिर वहां जाऊंगा तो शुभ कर्म करना पड़ेगा, ना ना मुझे तो इकट्ठा करना है अभी, और एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी लेनी, इससे अच्छी महंगी वाली वो ले ली अभी, ना उससे भी अच्छी महंगी है बाजार में तो आता रहता है, मुझे उससे भी अच्छी चाहिए। तो इस प्रकार का जब तक उसका भाव, ये अविद्या, जब तक वो ये अविद्या नष्ट नहीं करेगा, तब वो दुखी सुखी होता रहेगा, अंत में इतना दुख प्राप्त करेगा जिसका वर्णन हमारे पास अल्फाज नहीं। अंत समय में मनुष्य को जबरदस्त पश्चाताप और दुख होता है, पर तब वो क्या कहते हैं ना, जब आग लग जाए तो कुआं खोदने सा कोई मतलब नहीं, तो उसके बाद में जो कल करूंगा, प्रथम ही जो हमने बात बताते ना, मनुष्य क्या सोचता है, ठीक है ना, अभी तो इतनी जीवन भरा बहुत पड़ा है, कभी कर दूंगा, आज नहीं गया तो क्या होगा, बाद में जाऊंगा सत्संग में, बाद में ध्यान कर दूंगा, बाद में शुभ कर्म करूंगा, बाद में दान पुण्य कर, ये बाद में, बाद उसकी कल कभी आती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मोह तो लगा पड़ा है ना। जब तक मोह कम नहीं होगा, आसक्ति कम नहीं की, त्याग भावना, आज के जो हमने सांख्य दर्शन के जो भी मंत्र सुने, जो सूत्र किए, उसका सार यही था कि मनुष्य को त्याग भावना को जागृत करना पड़ेगा। जब तक वो त्याग भावना को जागृत नहीं करेगा तो उसको वैराग्य नहीं आएगा, और उसकी आसक्ति संसार के प्रति नहीं छूटेगी, वो संसार में बार बार आता रहेगा और चीजों को एकत्रित करेगा और फिर छोड़ जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर आके एकत्रित करेगा, फिर छोड़, ये चक्कर, ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, और मृत्यु दुख से वो बच नहीं पाएगा। मृत्यु के समय जो दुख आता है, उस दुख को छूटने का एक ही उपाय है, क्या? जन्म लेना बंद करो। तो जन्म लेना कब बंद करेगा? जब उसको संसार के प्रति आकर्षण कम होगा ना। अब उसको इतना सारा आकर्षण लगा पड़ा है, धन में, रिश्तों में, पुत्रों में, पत्नियों में, सब में उसको अभी इतना पूरा का पूरा आकर्षण बना है, तो फिर उसको तो जन्म लेना ही लेना है, और जन्म लेने के बाद तो ये संघर्ष तो करना ही करना है। जन्म लेना अर्थात पूरा जीवन संघर्ष, दुखों का सामना करना। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो इन दुखों को देख लेता है, फिर वो क्या करता है, अपनी आसक्ति हटाता जाता है, धीरे धीरे अविद्या को सत्संग में आकर ध्यान पूर्वक सुनकर अविद्या को नष्ट करता जाता है और अपनी विद्या को प्राप्त करता जाता है। तो हमें भी इस तरह से अपनी अविद्या को धीरे धीरे उखाड़ना है, वो एकदम से इतने जन्म जन्मांतर से जो अविद्या, मैंने क्या बताया, ऋषियों ने बताया कि हिमालय पर्वत जितनी अविद्या एक एक के अंदर भरी पड़ी है,
वो इतना जल्दी आसानी से आपके एक दो बार कभी कभी सत्संग में आने से नहीं निकलेगी, वो नहीं हटेगी। उसको हटाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम, पुरुषार्थ, रुचि बनानी पड़ेगी। जैसे धन कमाने, बंगलों, गाड़ियों के लिए आपको मेहनत करते हो, वैसे ही इस अविद्या को नष्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने मेहनत करी, पुरुषार्थ किया, वो अपनी अविद्या को नष्ट करता जाता है और विद्या को, अपनी विद्या को बढ़ाता जाता है और अपनी मंजिल को, जिसके लिए वो आया था, ये नर जीवन, ये इसमें सुख शांति प्राप्त करनी है, तो बस फिर वो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करके सुख और शांति को प्राप्त करता जाता है। आज हमारे जो एक सत्संगी थे, दयाल उनका नाम, हाँ दयाल दास जी, बहुत ही नेक, एकदम सरल व्यक्ति थे। मेरे सामने मैं देखती, हमेशा यहाँ सामने आके बैठते, सत्संग में उनका बहुत ही रुचि लगान, कभी भी आना नहीं छोड़ते, हमेशा ध्यान पूर्वक सत्संग सुनते, और इतने सरल व्यक्ति। सत्संग सुनने के बाद हमेशा धीरे धीरे चल के भी यहाँ आते मेरे पास, मैं मुझे नमस्ते करते, धन्यवाद करते, दो बात हंस के बात करके फिर हमेशा निकलते। इतने सरल व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने परिवार को भी वेदों से जोड़ा, उनका पूरा चावला परिवार, उनके अभी जो पुत्र बैठे हैं लक्ष्मण भैया, बहुत ही नेक, वो भी बहुत ही अच्छे सत्संगी है, वेदों में उनका दृढ़ निश्चय है, हमेशा सत्संग सुनते हैं और वेदों में अपनी जो आस्था है वो बनाए रखी है। तो जैसे हम उनकी पुण्यतिथि, बड़ों ने हमें पुण्यतिथि मनाते हैं, उसका पता है सही श्रद्धांजलि क्या है। जैसे उन्होंने आपको जोड़ा, अब आपका कर्तव्य है आप अपनी संतानों को जोड़ें, यह सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने देखो, जैसे उन्होंने वेदों में आस्था रख के आपको जोड़ दिया, तो आप तो जुड़ गए, आप लाभान्वित हो गए। अब आपका कर्तव्य बनता है आप अपने संतानों को भी जोड़ें। अगर आपने स्वयं नहीं जोड़ा तो फिर पीछे वो नहीं जुड़ेंगे। तो फिर हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें करना चाहिए था, वो पीढ़ी कड़ी टूट जाएगी। इसीलिए हमें उस कड़ी को तोड़ना नहीं है। अगर हमें बड़े को, अपने बड़ों को श्रद्धांजलि देनी है, उनके कदम चिन्हों पर, पद चिन्हों पर चलना है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे वो वेदों से जुड़े थे, संस्कारी थे, इतने अच्छे सरल थे, हम भी वैसे बन गए, हम तो आ गए, अब हमें आगे अपने संतानों को भी जोड़ना है। तो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको स्मृत करते हुए उनके परिवार ने यहाँ सत्संग रखवाया है, और सारा कुछ प्रबंध, प्रसाद आदि, नाश्ता आदि का, जलपान का प्रबंध भी उनकी तरफ से है। तो हम सब मिलकर उनको बड़े भाव से, प्रेम पूर्ण श्रद्धा से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हमारा समय हो चुका है, अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ॐ शांतिः 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।